स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक स्मृति। द्वितीयक स्मृति क्या होती है? वैकल्पिक स्मृति या बाह्य स्मृति भी कहते हैं इसको, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। और फर्स्ट ये कितने प्रकार की होती है हमारी, देखते हैं। फर्स्ट है हार्ड डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क, चौथा है मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक प्रमुख संग्रहण माध्यम होता है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो स्टोर करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस की के साथ साथ डाटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस भी है और इसको स्टोर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी है ये, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क होती हैं। डिस्क यानी कि स्टोर करने के लिए जो डिस्क होती है उसी को हम, एक से ज़्यादा होती हैं इसमें, और जो एक क्षण पर एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है। देखिए यहाँ पे एक क्षण पर एक निश्चित दूरी पर स्थित होती है ये, ठीक है। और जब यह क्षण तीव्र गति से घूमती है, ये घूमती है, तो क्षण के साथ साथ डिस्क भी घूमना प्रारंभ कर देती है। यानी कि जब ये क्षण जो लगी हुई है ये घूमती है, तो डिस्क भी साथ में घूमना शुरू कर देती है। और प्रत्येक डिस्क में ट्रैक विभाजित होते हैं। ट्रैक यानी कि पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस। प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है, जैसे कि मैंने बोला सेक्शंस। तो ट्रैक क्या होता है? विभागों में विभाजित होता है, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो और डिस्क की स्टोर करने की क्षमता होती है सिलेंडरों की संख्या इंटू सिलेंडर टैक्स इंटू प्रति सेक्टर टैक्स इंटू प्रति सेक्टर बाइटों की संख्या, ठीक है। यानी कि डिस्क स्टोर करने की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडरों की संख्या गुणे प्रति सिलेंडर टैक्स ट्रैक्स, ठीक है। ट्रैक्स यानी कि वो स्पॉट्स होते हैं डिस्क में जहाँ पे स्टोरेज होता है, इनटू प्रति सेक्टर ट्रैक्स, ठीक है, इनटू प्रति सेक्टर बाइटों की संख्या। ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि हम जब लगाते हैं तो हमारे डिस्क का फॉर्मूला निकल आता है। ये एल्युमिनियम प्लेटों की बनी होती है और मैग्नेटिक ऑक्साइड से आच्छादित होती है, यानी कि ये इसका जो कोटिंग होती है, ऊपर कवर जो आवरण चढ़ा होता है, ये एल्युमिनियम प्लेट की होती है और मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कवरिंग में होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट वीडियो में देखिए हार्ड डिस्क है आपकी ये।